नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र राठौर है। दोस्तों मेरा आप ये जो 165 DR13 का टायर है MRF का, ये दोस्तों बहुत टाइट खुलता है। ये टायर चाहे ट्यूबलेस टायर क्यों ना हो या रेडियल टायर भी हो, कोई भी हो, टायर बहुत खुलता है। सादा टायर तो दोस्तों बहुत ही टाइट खुलता है। दोस्तों शिकंजा शायद आप लोगों सभी के पास होगा, नए अपने पंचर वाले भाई लोग हैं उनके पास ना हो, तो मैंने शिकंजा का वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर डाल दिया बहुत समय पहले, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने भाई लोगों को यूट्यूब पर या फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें दोस्तों। दोस्तों इसको आसानी से खुल जाता है शिकंजा के माध्यम से, और इसको टाइलीवेल लगाने पर भी बहुत दिक्कत होती है दोस्तों, है ना, इसको खोलने में। तो मैंने आपको इसका आसानी से तरीका बताया है इसको अपन कैसे खोलते हैं। और दोस्तों वीडियो को बिल्कुल पूरा देखें दोस्तों, मैंने इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं किया है, और आप लोग भी स्किप ना करें दोस्तों, क्योंकि इसमें मैंने सब सिखाया है आप लोगों को कि इसको टायर को कैसे खोलते हैं भाई लोग, है ना। जैसे अपने दोनों तरफ इसकी गोट खोल ली है और अपन टायर को हल्का से दबा दबा दिए है ना, और इस पर दोस्तों जो है ना साइड पर गोट पर टायर को खोलने से पहले इसकी गोट पर अपन शैम्पू का पानी डाल लेंगे, या शैम्पू का ना हो तो ऐसे भी पानी अपन डाल लें। हालांकि शैम्पू से क्या लिक्विड बन जाता है तो जल्दी आसानी से खुल जाता है, गोट बहुत आसानी से खुलती है दोस्तों, बिल्कुल इसमें मेहनत नहीं लगती है। और जहां तक हो सके जो टाइलीवर अपने रहते हैं खोलने के लिए, पाना चाबी आप लोग जो कुछ ही बोलते हो, इनको थोड़ा बड़ा रखें, बड़ा रखेंगे तो ताकत कम लगती है भाई लोग, है ना। तो देखो पहले अपन एक टाइलीवर को पास आया और पीछे से इसको दबा दिया टायर को, है ना, तो इसकी गोट आगे से खुल जाती है बिल्कुल। ये देखो ये आराम से निकल गया टायर। आप देखो कि मैंने सिर्फ 4 के 5 टाइलीवर लगाए और टायर बाहर हो गया। देखो पहला टाइलीवर ये लगा है, और ये दूसरा लगा, और ये तीसरा। ये देखो दोस्तों चौथे टाइलीवर में टायर बिल्कुल बाहर हो गया है ना, चौथे पांचवे टायर में टाइलीवर बिल्कुल बाहर हो गया। अब जैसे इसकी नलकी ना निकलती है तो पिंचेस से ना दबाएं दोस्तों, पिंचेस से दबाने से क्या नलकी बेंड हो जाती है, टाइलीवर उसके ऊपर रख के और दबा दें तो नलकी अंदर हो जाती है, और हल्का सा टायर को राइट साइड या लेफ्ट साइड में ऐसा घुमा दें इस टाइप से, तो उससे क्या होगा नलकी अब निकल जाएगी और ट्यूब को अपन पकड़ने में आसानी होगी दोस्तों, है ना। ये देखो दोस्तों कितने प्रेम से निकल गया है, इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी दोस्तों, और बड़ी स्पीड पे काम हुआ है ना। मैंने इसको इस वीडियो को स्किप नहीं किया भाई, और तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखें, है ना, और इसको अपन ने हवा भर के देखना है कि पंचर कहाँ पर है। और सबसे पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ट्यूब टायर पर हवा खोलने से पहले टायर पर चौक से अपन एक निशान लगा लें, जिससे अपन को याद रहे इसकी नलकी यहाँ, जो टायर पंचर ढूंढने में अपन को बहुत आसानी होती है। आप मेरी वीडियो अक्सर देखते होगे तो मैं हर वीडियो में आप लोग देखना मैं निशान लगा देता हूँ टायर की नलकी के निशान पे, तो उससे क्या होता है कहीं भी पंचर रहता है तो अपन ट्यूब पे तो उसी जगह पर अपन पंचर देखेंगे, टायर में कहाँ कट लगा है, क्या कील वगैरह क्या है। तो ये देखो दोस्तों ये पंचर मिल गया अपन को, उसको अपन ने मार्क कर दिया और देखा कहीं है तो नहीं है, और इससे काम जल्दी स्पीड पे होता है, और सामने वाले को लगता है कि नहीं भाई अच्छा सा काम करता है सफाई से, है ना। तो कभी भी इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें दोस्तों, और दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें आप लोग, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें भाई। अपन ट्यूब की हवा निकाल दी पूरी, उसके बाद भाई लोग अपन ने इस पंचर को घिस लेना है सबसे पहले, है ना। मेरे पास तो मशीन है जिससे चाहो आप रेतमाल कागज़ से घिसते हो या रेती से घिसते हो, मैं तो मशीन से अक्सर पंचर मशीन से ही घिसता हूँ, बहुत जल्दी होती है। हालांकि दोस्तों ये हवा बहुत खाती है, लेकिन मेरे पास कंप्रेसर बड़ा है, टंकी बड़ी है, तो जल्दी काम हो जाता है, टाइम नहीं लगता है दोस्तों, ना। ये आपको दिख रही होगी मैजिक, उसका टायर है ये, जिसको अपन शायद छोटा हाथी भी बोलते हैं, टाटा का, टाटा एज जो होती है माल वाली। ये टायर बहुत हार्ड खुलता है दोस्तों, है ना, और हार्ड ही पैक होता है दोस्तों। और दूसरी बार टायर को निकालने में, डिस्क से टायर बाहर करने में तो बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, उसका भी मैंने बताया आपको कैसे निकालते हैं, देखना बहुत इजीली खुल गया मेरे को। तो क्या है, हम मैं काम करता रहता हूँ तो मुझे नॉलेज है किसको भाई कैसे खोलना है क्या करना है, जैसे आप लोग करते रहोगे तो ज़रूर खुल जाएगा, है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना अपन भाई बनता नहीं। और एक चीज़ और दोस्तों, ये देखो टिकली मैंने जो निकाली है ना पंचर लगाने की, देखो टिकली को पलटा के उस पर अपन ने रख लिए है ना, इससे टिकली पर अपने फिंगर के निशान ना आए उंगली के, उससे टिकली अच्छे अच्छे चिपकी। देखो दोस्तों इस तरह चिपकाया, उसको अपन ने बाहर निकाल दिए, कभी भी हो टिकली को ऐसे ही मारे उस पर ना, और आपके पास ये रोलर हो तो रोलर, नहीं तो किसी से भी टिकली को दबा दें तो ये पंचर लीक नहीं करेगा। और दोस्तों उसके बाद रख के अपन को ट्यूब का जो अपन रखना है कि भाई पंचर कहाँ पे हुआ है ना, तो अपन ने ट्यूब रख लिया और निशान लगा था अपन ट्यूब पे, क्योंकि वो पीले कलर का आपको दिख रहा होगा ये,
तो अपन ने सिर्फ वहीं देखना है, तो वहाँ पे आप चाहो कि पंचर जरूर मिल जाएगा कि भाई यहाँ टायर पे कुछ निशान है कि नहीं है। देखो दोस्तों सीधा बिल्कुल वहीं जाके मतलब अपन को देखना है, इस पर गिट्टी लगी हुई है ना, दुकान है गिट्टी लगी हुई दोस्तों ना। फर्स्ट टायर को निकालने के लिए दोस्तों ऐसे अपन ने टाइलीवर फंसाया और उसको सीधा टायर को चित्त डाल दिए अपन ने ना, और जो टायर वाला भाई है उससे बोला भाई इस पर पैर रखो टायर पर, तो वो पैर रखेगा। हालांकि हथौड़े से भी निकल जाता है, लेकिन आप लोगों को इजीली बता रहा हूँ कि भाई ऐसे निकलता है टायर, है ना। ये देखो अपने हथौड़ा मारा इस पर ये, और दोस्तों उस तरह थोड़ा जगह बन के टायर पे एक दूसरा टाइलीवर अपन ने फिर लगा लिया है ना, तो इस पर क्या जगह बन जाएगी। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ ये अपने दूसरा टाइलीवर बड़े होना चाहिए दोस्तों, बड़े रहेंगे तो बिल्कुल आसानी रहेगी इसमें ना। इसको निकालने में दोस्तों बहुत प्रॉब्लम होती है, आप लोग कभी पंचर इसका बनाया हो तो आप लोग खुद देखना कि कितनी प्रॉब्लम होती है इस पर, ये बहुत हार्ड निकलते हैं। सिर्फ सेम टायर होता है पिकअप का, 715 का टायर भी ऐसे ही हार्ड निकलता है दोस्तों, है ना। तो मैं इसका एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा टायर निकालने का, क्योंकि मेरे पास वो वाला टाइलीवर नहीं है, मैं बताऊंगा आपको कि इसको और भी आसानी से निकालते हैं अपन, ठीक है ना। मैं बताऊँगा, देखो दोस्तों ये बिल्कुल कितना आसानी से निकल गया दोस्तों, है ना। अपन को ये देखो ये गिट्टी लगी हुई है, इस पर अपन एक पैच लगा देंगे, क्योंकि MRF का टायर है, MRF टायर में कट फैलता है बहुत है दोस्तों। एक गिट्टी निकाल लीजिए उधर से, कोई देखो टायर हुआ तो इसमें 5 नंबर पैंच अपन आसानी से लगा देंगे तो बढ़िया चलता रहेगा। छोटा पैंच लगाएं तो कट फैलेगा भाई, टायर चलेगा अभी भाई का, क्योंकि लोडिंग गाड़ी का टायर है। सवारी गाड़ी का टायर होता तो भाई कड़ी अपन छोटा मोटा कुछ भी 4 नंबर पैंच भी लगा देते, 3 नंबर भी तो चलता 4 नंबर तक। इसको फिर इसको अपन को घिस लेना है अच्छे से ना, इतना तो आप लोगों को सबको पता ही होगा दोस्तों कि घिसाई करके ही पैंच चिपकता है सही से। हाँ भाई लोग एक चीज़ और है, अपने कुछ साथ वाले भाई लोग मैंने कभी कभी मेरे पास पंचर टायर आते हैं वो एक्चुअली में पैंच तो लगा देते हैं दोस्तों, टायर पर पैंच मार देते हैं, लेकिन वो टायर को घिसते नहीं है, है ना। ऐसे ऐसे कर दिए ग्राहक के सामने बस, वो पैंच पंचर होती है गाड़ी और वो पैंच निकल जाता है दोस्तों, फिर हल्की सी पंचर चलती है ना तो पैंच साथ में बाहर निकल जाता है दोस्तों ना। तो ऐसी गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि इसमें ग्राहक का भरोसा उठता है ना, ग्राहक पर दोबारा लौट के अपने पास नहीं आता है क्या दोस्तों। मैं ज़्यादा बड़ा बोल तो नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अक्सर देखा है जो व्यक्ति मेरे पास एक बार काम करा के जाता है वो व्यक्ति मेरे पास ही पंचर लेके आता है दोस्तों। मैं तो इतना कुछ मतलब कभी कभी तो इतना अच्छा लगता है मेरे को अपने आप को कि नहीं यार भाई मैं कुछ करता हूँ, क्योंकि मेरे पास 400-500 किलोमीटर दूर से आदमी पंचर गाड़ी पे स्टेपनी बांध के लेके आते हैं, बोले भाई वहीं बनवाऊँगा। अभी तो एक बार आप दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति ने लॉकडाउन भरा अभी 4 बार मेरी दुकान से निकला, क्योंकि लॉकडाउन में दुकान बंद थी तो मैं शटर बंद करता था और मतलब काम करता रहता था, ऊपरी जनरली काम करता था। तो वो भाई यहाँ से निकला कच्चे माल की गाड़ी थी, वो भाई 4 बार टायर में हवा भरा भरा के चलता रहा, लेकिन उसने कहीं पंचर नहीं बनवाया दोस्तों। जैसे ही लॉकडाउन खुला उसने सुबह टाइम में निकला और देखा कि भाई यहाँ पे दुकान खुली हुई है, तो उसने पंचर बनवाया दोस्तों। उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि भाई मैं 1 महीने से बिल्कुल पंचर गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने हवा भरा भर के गाड़ी चलाई है दोस्त, मैंने दूसरी जगह पंचर नहीं बनाया। तो मुझे दोस्तों एक चीज़ इसी बता रहा हूँ कि आपको भरोसा जीतना है आने वाले कस्टमर का, आप 2 पैसे कम लो उससे तो चलेगा दोस्तों, है ना, कभी भी हो भाई। तो अपन पैच मार देंगे तो वो व्यक्ति मुझे अपने आप को इतना अच्छा लगा कि नहीं यार भाई मेरे प्रति आता तो है व्यक्ति, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही मेरे पास बहुत से कस्टमर आते हैं जो बोलते हैं भाई मैं आपका काम मुझे बहुत पसंद आता है दोस्तों, मैंने आपको पंचर पक्का बनाने का भी तरीका बताया था कि पक्का पंचर कैसे बनाते हैं तरीका, और वो वीडियो ना देखा तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा भाई लोग आपको, है ना। इस पे पैच लग गया दोस्तों, अब इस टायर को फिट भी करना है ना अपन को, तो दोस्तों फिट करने का भी तरीका यही है, मैं अब इसका ही बताऊंगा आपको कि फिट कैसे करते हैं। बहुत आसानी से दोस्तों फिट भी हो जाता है टायर। वीडियो को भी दोस्तों बिल्कुल पूरा देखते रहें, आप लोगों को इस वीडियो में बिल्कुल समझ में आएगा कि मैंने इसमें क्या किया है, वो कितना हार्ड टायर को कैसे ईजिली खोला है और ईजिली बंद किया। अभी सागर भाई का भी मैंने एक वीडियो देखा था, उनने 4-5 10 का ऑटो का टायर बनाया था, वो टायर भी दोस्तों बहुत हार्ड खुलता है और बहुत हार्ड ही फिट होता है, और ज़्यादा करके दोस्तों वो टायर भी MRF का रहता, तो MRF का टायर तो बहुत हार्ड ही खुलता है दोस्तों और हार्ड ही फिट होता है। तो वही तरीका मैंने आपको उनका भी एक वीडियो देखा था, मैंने उसी वीडियो को मैं देख के ये वीडियो बनाया ना, मैं इनका वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैंने शायद आपने कभी नहीं देखा होगा मेरा वीडियो इस टाइप का, तो उस चक्कर में बता रहा हूँ कि भाई आप देखो कितनी आसानी से खोला है। हालाँकि सागर भाई का वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सागर भाई भी अच्छा वीडियो बनाते हैं ना, तो सागर भाई धन्यवाद आपने मुझे सलूशन दिया। और तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई देखो कैसे ये टायर पूरा खुला हुआ है ना। अब देखो दोस्तों हाँ एक चीज़ और दोस्तों, कभी पैंच लगाएं तो अपन सलूशन क्या फैल जाता है ना हल्का फुल्का, तो उसको क्या करें
आउटर जरूर मार दें दोस्तों। आउटर मारने से क्या अपना ट्यूब जो है ना उस पर चिपकेगा नहीं भाई, है ना, ट्यूब नहीं चिपकेगा तो अपन को निकालने, अपने पास कहीं भी पंचर होगा तो निकालने में आसान नहीं होती, नहीं तो उसमें बहुत ताकत लगती, चाहे आप हो अदर व्यक्ति कोई भी हो, कोई व्यक्ति के यहाँ पंचर बनेगा तो उसको भी प्रॉब्लम होगी ना। और दोस्तों कभी कस्टमर हो उसके टायर को और चेक कर लेंगे भाई कहीं गिट्टी तो नहीं लगी, जैसे मैंने गिट्टी निकाल दी है तो कस्टमर देखता है कि नहीं यार भाई ने सफाई से काम किया है, तो वो कस्टमर अपने पास ही आता है दोस्तों। ऐसा काम करो दोस्तों कि जिसमें अपना नाम हो, नाम बदनाम ना हो कि पंचर वाले भाई कैसा पंचर बना के दे दिया यार, ऐसा ना हो। देखो दोस्तों ये टायर को अपन ने पहले तो मैंने अपने देखा रबड़ के ऊपर रख के खोला मैंने टायर को, अब उसको फिट करना है दोस्तों, इसको नीचे रखना पड़ेगा हार्ड जगह पे, हार्ड जगह पे रखेंगे तो ईजिली फिट हो जाएगा। ओपन ऐसे ही रबड़ वगैरह आप रखेंगे तो टायर पर जंप लगती है तो वो फिटिंग नहीं होती। देखो दोस्तों इससे मैंने फिर से गोट पे शैम्पू का पानी फिर मार लिया है, और उसको जैसे मैंने 4-5 हफ्तों टाइलीवर में खोला था ना टायर को, उसी तरीके से देखते आप देखना 4-5 हफ्तों में फिट हो जाएगा। ये कोई मेहनत नहीं है दोस्तों, बहुत आसानी से खुलता है। ऑटो का टायर भी जो है 4-5-10 का भी ऐसे ही फिट होता है, और 7-15 का टायर जो अपने पिकअप का होता है वो बिल्कुल ऐसे ही फिट होता है। देखो दोस्तों बिल्कुल आसानी से फिट हो गया है। और दोस्तों इसमें ट्यूब फिटिंग का भी मैंने बताया है आपको, वीडियो आप लोग बिल्कुल पूरा देखें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें दोस्तों। देखो दोस्तों ट्यूब फिट करने का भी तरीका मैंने बहुत आसानी से बताया, कभी इसमें ऐसे इस टाइप से फिट करोगे तो ट्यूब में कभी कट नहीं लगेगा। क्या कई बार होता है ट्यूब पर कट लग जाता है, अपनी लापरवाही से लगता है कट। तो देखो इसमें मैं बताया आपको फिट करने का तरीका बिल्कुल आसान बताया है, अपने टाइलीवर फंसा सभी लोग फंसा लेते हैं, और उसका भी एक तरीका और बताऊंगा कि ट्यूब फिट करने का कैसा क्या है, वो सिकंजे पर ही मैंने बनाया है, उसका वीडियो मैं बनाऊंगा एक दिन। क्या दोस्तों अकेला रहता हूँ, कोई नहीं रहता है वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो नहीं बना पाता हूँ दोस्तों, है ना। अब दोनों टाइलीवर बीच के डिस्क में फंसाए अपन ने और निकाल लिए, इससे फंस जा। देखो इस टाइप से अपन टाइलीवर निकालना है, क्या ट्यूब लगा लगा अपन उठाएंगे तो कट लग जाता है अक्सर, है ना। इसकी ट्यूब की अपन ने हवा निकाली और इसको आसानी से फिट कर दिया दोस्तों। मैंने दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं किया है, रेगुलर ही वीडियो बनाया है दोस्तों, है ना। हालांकि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कट किया है मैंने, ऐसा नहीं है क्या, वो ज़्यादा लंबाई हो तो और कोई बीच में कुछ नहीं था ऐसा कि चक्कर में उसको कट कर दिया हल्का हल्का। बाकी का दोस्तों ये वीडियो बहुत थोड़ा बड़ा है, 15-16 मिनट का है दोस्तों, दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखो दोस्तों इसको फिट करने का तरीका यही है, ये देखो अपन इसको अंदर से फिट कर लिए, थोड़ा हाथ से टायर उठाते रहें। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों, व्हाट्सएप पे जरूर सेंड कर दिया करो, तो उससे क्या दूसरे भाई लोग भी देख लेते हैं, अपने पास ग्रुप रहते हैं ग्रुप में सेंड करें 2-4 ग्रुप में। देखो दोस्तों इस पर भी मैंने ये शैम्पू का पॉइंट डाल दिया, इससे क्या है ना मेहनत नहीं लगती शैम्पू से, लिक्विड टाइप का बन जाता है तो गोट सरकती जाती है, और ट्यूब को टायर को भी हो, मैंने पटक के बताया, भूल गया बताने के लिए क्योंकि वॉइस रिकॉर्ड बाद में कर रहा हूँ मैं। अच्छे बड़े टाइलीवर से लगाएंगे अपन तो अच्छा रहेगा। देखो अपने फंसाया तो एड़ी अपने जो पैर की जो एड़ी होती है ना उससे अपन को दबाना है, ये टाइलीवर लगाया इसको अपन दबा दिए, देखो। और टाइलीवर कभी भी लगाएं थोड़ा पास लगाएं दोस्तों, है ना। देखो मैं अब बड़े टाइलीवर से बता रहा हूँ आपको, है ना, ये देखो दोस्तों ये बड़ा टाइलीवर अपन ने लगाया और ये एड़ी से अपन ने उसको उसी जगह को दबा दिए, है ना, ये देखो। तो शैम्पू डली हुई ना तो उससे क्या है कोट सही से सरक जाती है पीछे से, और पीछे से दबाना टायर को, है ना। वो देखो एक पैर अपना पीछे उस तरफ रखा है लेफ्ट में और एक राइट वाला राइट पर रखा है, ये देखो जैसे टाइलीवर लगता है और अपन पैर को, ये देखो इसमें दबाया ना, बस इतना ही कुछ है, बाकी का कुछ नहीं है टायर में, ना हथौड़ा मारने की जरूरत पड़ती है ना कुछ पड़ती है, ये देखो कितनी आसानी से फिट हो गया, है ना। देखो इधर से अपन दबा दिए अपन ने, ये देखो ऐसे ऐसा, यही मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी अपन टायर में देखने के लिए। और कभी भी नलकी के पास से पहले टायर ना बैठा लें, नलकी के यहाँ बाद में ही टायर बैठा, क्योंकि तो नलकी चिपट जाती है। ये देखो दोस्तों बिल्कुल आसानी से फिट हो गया। ठीक है दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और अपने भाई लोगों को शेयर करना। हाँ एक चीज़ और दोस्तों, टायर को पलटा के जरूर देखें, कई बार क्या होता है ट्यूब चिपट जाता है गोट पे, और गोट पे ट्यूब चिपटता है ना तो ट्यूब फटने का चांस हो जाते हैं, यहाँ नहीं फटेगा पंचर थोड़ा टायर चलेगा तो 5-6 किलोमीटर तो टायर फट जाएगा। और दोस्तों इस टायर में मैंने 100 पाउंड हवा की थी, भाई ने बोला 100 पाउंड कर दो, मैंने 100 पाउंड हवा कर दी, अपन को क्या भाई जितना करनी है अपन ने कर दिया दोस्तों, है ना। ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शिकंजा के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लेना मैंने कैसे बनवाया शिकंजा। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों